वीरजी मसूरकर यांची टूर्नामेंट यशस्वी झाली। सांगितलं होतं की 9 वाजेपर्यंत कदाचित या परिसरामध्ये पावसाची एखादी सर येईल, पण असं झालेलं नाही आहे। असं म्हणतात की तुम्ही जर सच्चा दिलानं सच्चा मनानं जर एखादं काम हातात घेतलं तर परमेश्वरसुद्धा तुमची साथ देतो आणि निसर्गानं सुद्धा समीरजी मसूरकर यांच्या या स्पर्धेला साथ दिली आहे। ऑल इज ओके, यस। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। एक तरफ मिस्टर डायनामाइट, दूसरी तरफ रन मशीन सावरोली, गौरव घोषालकर, रोहित पाड़गे, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। गेंदबाज कृष्णमूर्ति। चलिए बगैर टाइम पास 20 मिनट के अंदर आपको ये 4 ओवर खत्म करने हैं। मैं शिरसाट के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको ये खत्म करने 4 ओवर महज 20 मिनट में। मित्रांनो तिथे गर्दी करू नका, गर्दी केल्यामुळे त्रास होईल पेशंटला, प्लीज। गौरव घोषालकर आक्रमक चेहरा टीम सावरोली का, गेंदबाजी करेंगे कृष्णमूर्ति। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद कवर्स में खेला सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अपने आप को साबित करने वाली बल्लेबाजी करनी होगी। जिन गेंदबाजों ने कृष्णा सातपुते, इजाज कुरेशी, आकाश तारेकर, योगेश पेड़कर जैसे बल्लेबाजों को खामोश रखा, जिन्होंने प्रथमेश मात्रे, करण मड़वी जैसे बल्लेबाजों को खामोश रखा जिस गेंदबाजी के अटैक ने, उनके सामने 20-25 रनों वाली पारी भी आपके जीवन में आने वाले करियर के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगी। ये लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है पहली गेंद की समाप्ति पर। देखिए एक बार मौत के मुंह से वापस आने के बाद दोबारा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्लो रन किया था, स्लो रन मैंने पहले कहा था, ये गेंदबाज जो है ना पूरे चारों के चारों ये जितना तेज दौड़ते हैं उतनी तेज गेंद आएगी इसके भ्रम में रहता है बल्लेबाज, और उसी वजह से इस टीम ने सभी बल्लेबाजों को चकमा दिया आज की रात में। ये कब स्लो रन करेंगे, कब तेज डालेंगे, बल्लेबाज को रीड करने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये देखिए अब तेज किया, पिछला जो पहले वाली गेंद थी वो तेज थी, दूसरी जो गेंद थी वो स्लो रन स्पिन डाली थी, और उसके बाद जो तीसरी गेंद थी वो तेज डालने की कोशिश की थी। वेरिएशन जो वेपन का काम करती है, हथियार का बल्लेबाजों के लिए वेरिएशन, विविधता आपके पास अगर हो तो। रोहित पाड़गे ने इस गेंद को निकालना चाहा, मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, यॉर्कर लाइन गेंद डाली थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी रोहित पाड़गे द्वारा, लेकिन सावरोली के इन बल्लेबाजों की मैं तारीफ करना चाहूँगा, विकेट निकालने का मौका नहीं दिया अब तक उन्होंने गेंदबाज को, 6 रन बगैर नुकसान। ये अगर स्क्वायर कट खेला जाता तो फुल टॉस जरूर थी, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, घुमाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे बल्ले से अगर खेलते कवर और पॉइंट के बीच में से तो शायद रन बनने के चांसेस ब्राइट रहते। अक्रॉस द लाइन खेला है लेकिन स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। देखिए गेंदबाजों को अपनी लाइन को पता, लाइन का पता है, और उन्होंने वैसी ही फील्ड सेट की है इस पहले ओवर के लिए जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर थे। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, महज 7 रन आए थे पहली गेंद के ऊपर, इस ओवर में 54 आने के बावजूद भी इस ओवर में रन आए महज 7। 4 ओवर का ये मैच, अंतिम घमासान, समीर जी मसूरकर की यह प्रतियोगिता
खोपोली खानापुर टेनिस क्रिकेट का ये विश्व कप आखिरकार जीतेगा कौन, सिरसाट अहमदनगर स्पोर्ट्स या फिर सौरोड़ी चैम्बो, संपर्क करना आपको आपके टेक्नीशियन से। आशीष अगरकर देखिए बाल, अभिषेक ने इनके बालों के बारे में बात की थी, हम लोग सफेद बालों को छुपाने के लिए काले करते हैं लेकिन इन्होंने काले बालों को सफेद बनाया है। काफी बढ़िया हेयर स्टाइल है इनकी। समीर मसूरकर भी इससे पहले हेयर स्टाइल के लिए फेमस थे, पांडव जो उनकी हेयर स्टाइल को मेंटेन रखते हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ लेकर आए थे, किरण पांडव। लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, गेंदबाज आशीष अगरकर, लसित मलिंगा दिल्ली से आए हुए इस मैच के लिए सिरसाट स्पोर्ट्स के लिए। फुल टॉस किया, रिवर्स खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हुई लेकिन एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई सौरोड़ी टीम 9 रन। लेकिन अंकेश तांबड़े अपने कोचिंग से खुश होंगे, जिस अंदाज से इस विश्व कप में, टेनिस बॉल के विश्व कप में उनकी टीम फाइनल खेल रही है। कोच के लिए क्या चाहिए कि उनकी ग्रामीण टीम ओपन टीम से दो दो हाथ कर रही है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है टीम सौरोड़ी के लिए। डायनामाइट देखिए, समय की मांग ये है, यह हल्का ऑफ्रेक था, समझ नहीं पाए गौरव घोषालकर और यही तो चतुराई की आज की रात इन गेंदबाजों ने। बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे कि मैं क्या डाल रहा हूँ, ये रीड करने का कि यॉर्कर डाल रहा हूँ, स्लोअर वन डाल रहा हूँ, लेग कटर डाल रहा हूँ, ऑफ कटर डाल रहा हूँ, फास्टर वन डाल रहा हूँ, जो वेरिएशंस होते हैं गेंदबाजी के। ये देखिए ये तेज डालने के एक्शन में फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, ये होती है व्यावसायिकता। एक एक्सपीरियंस मिल रहा है इन सौरोड़ी के खिलाड़ियों को कि किस तरह से जो इन खिलाड़ियों ने नाम कमाया है उन्हें भी हासिल हो, वो दर्शाने वाला एक्सपीरियंस। और क्राउड भी अभी भी रुका हुआ है, यंगस्टर अभी भी रुके हुए हैं ताकि फाइनल जो जीतेगी टीम वो किस अंदाज से जीत रही है, किसने अच्छा प्रदर्शन किया, किसने क्या कुछ किया, वहाँ पर एक सीखने का मौका। ये पाठशाला थी आज की रात खोपोली खालापुर के यंगस्टर्स के लिए। व्यावसायिक स्तर के कई खिलाड़ी आए, कृष्णा सातपुते जैसे गॉड ऑफ महाराष्ट्र टेनिस जिन्हें कहा जाता है, उस क्रिकेटर को हमने देखा। लेकिन आज की रात ओपन हाफ की रही है, सिरसाट की फाइनल चल रहा है, ये ग्रामीण में से फाइनल में पहुंच चुकी है टीम सौरोड़ी। लेकिन ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रुके हुए हैं। विकेट जरूर नहीं खोया लेकिन उतने रन भी नहीं आए, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है इन दोनों बल्लेबाजों में वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन गेंदबाजों के पास जो बॉलिंग की क्वालिटी है वो नज़र आती है, 24 लाइव इवेंट के तरह जिनके पास भी PCQ है, प्रोफेशनलिज्म क्लैरिटी एंड क्वालिटी। रिवर्स दागने की कोशिश की थी, ये ओवर की समाप्ति हुई, 10 रन, 7 तो बजने वाले हैं। विनोद सोलंकी कह रहे हैं समीर जी मसूरकर का भी कैलकुलेशन अब शुरू हुआ होगा। कैलकुलेशन शुरू होगा और संदेश माद्रे और कलवार दाएं और बायां हाथ गायब है शायद, एनवेलप। देखिए अंतिम समय आ चुका है, हम भी राह देख रहे हैं कि 2 साल बाद ये टूर्नामेंट हो रही है कोविड की वजह से। कोविड में तो समीर जी मसूरकर के पास हम आए नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन था, हमें भी मदद की जरूरत थी। अब बोनस कितना मिलेगा कोविड के बाद, 2 साल का बोनस पेंडिंग है। नक्की बोनस च्या स्वरूपात आपल्याला खास कॅम्पोलियन कडून पॅकेज होता तो मात्र तुम्ही घेतलाय, कॅम्पोलियन क्लब कडून जर असं पॅकेज होतं आम्हाला माहिती असतं तर घेतलंच नसतं।
नंतर काहीतरी समीरजी मसूरकर यांना भेटून गेलो असतो. रिवर्स दागने की कोशिश कामयाबी, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. मिस्टर डायनामाइट के बल्ले से आता हुआ ये चौका, कम से कम 40 मैच में मजा आएगा क्योंकि सवरोड़ी के गेंदबाजों ने, भले ही ग्रामीण टीम गेंदबाजी करेगी सामने शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर के, लेकिन इन्होंने जो जो भी गेंदबाजी की है नामचीन खिलाड़ियों के सामने की है खालापुर खोपोली के, उस वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है. 40 रन आते हैं ना तो मजा आएगा इस मैच में. 14 आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर, लॉस ऑफ 0. ये देखिए ये अग्नि परीक्षा है और इसीलिए मैंने गौरव घोषालकर को कहा कि आपके जो बल्लेबाजी का क्लास है, आपकी इनिंग अगर खुद की 20 की होती है तो वो क्लास आपको दर्शाने का मौका मिलेगा. ये स्लोअर वन लक्ष्मी था, गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्के से बाहर की तरफ निकाली. यही तो खासियत इन गेंदबाजों के, ओवर नंबर तीसरा कर रहे हैं सत्यम चौधरी. रिवर्स दागने की कोशिश, आड़ा टेढ़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट नहीं हो रहा है. इसी तरह कई साल पहले बेंगलोर टीम आई थी हल्की गेंद के ऊपर सुप्रीमो में, वहाँ पर संजय सोलंकी खेल रहे थे, उनकी टीम खेल रही थी पूरी खोपोली, चाहे कुंदन हो चाहे बाला साड़ुंगे हो अतुल शाहस ने हो, 20 से ज़्यादा रन एक टूर्नामेंट में उन्होंने बेंगलोर टीम ने इनको बनाने का मौका नहीं दिया था. लेकिन उसके बाद जब इन दोनों टीमों का मैच हुआ उसी ग्राउंड के ऊपर तो 45 से भी ज़्यादा रन बनाए थे वरद विनायक खोपोली ने, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अभ्यास किया कि हम लोगों से कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ हम गेंदबाजों को रीड नहीं कर पाए. सवरोड़ी ने इनके कई मुकाबले देखे होंगे, इनके बल्लेबाजों ने लाइव देखे होंगे या फिर सुना नहीं था. एक खिलाड़ी ने तो मुझसे कहा कि आज रात का अगर हम जीते तो मैं सीधा जाके घर जाके सोऊंगा, बाद में सुबह आऊँगा 5 बजे. ये नहीं होना चाहिए, उस खिलाड़ी को मुझसे ये कहना चाहिए था कि मैं घर ज़रूर जाऊँगा लेकिन जितने हमारे जो आज के प्रतिद्वंदी होंगे उनका खेल हम ज़रूर देखेंगे ताकि हमारा भी प्लान तैयार हो. भले ही ग्रामीण टीम हो लेकिन हर टीम ने वो करिश्मा किया था, ग्रामीण टीम ने ओपन टीम को हराया था, ओले टीम अजनबी ओले ने पहली बार पूरे रायगढ़ में ऐसा करिश्मा किया था. ऐसा नहीं है कि ग्रामीण टीम ओपन टीम को हरा नहीं सकती. कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, आपके पास अभ्यास करने की ताकत होनी चाहिए. बाउंड्री लगाई बल्लेबाज गौरव घोषालकर ने, टोटल आ चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19. गौरव खेल रहे अपने निजी 15 के योगदान पर. चलो हमने जो 20 कहा था उसके करीब जा सकते हैं, ये 20 से ज़्यादा की इनिंग भी हो सकती है. ये उनके जीवन में आने वाले दिनों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात होगी कि इन जैसे गेंदबाजों के खिलाफ अगर मैं रन बना सकता हूँ तो बाकी गेंदबाजों के लिए रन बनाना मेरे लिए आसान बात है. ये कॉन्फिडेंस लेवल कोच उनके यही चाहेंगे कि उनके दोनों ही जो बल्लेबाज हैं, चाहे रोहित हो, रोहित तो वापस आ चुके हैं पवेलियन में, राज और गौरव, ये अच्छा करें इन गेंदबाजों के सामने. भले ही रन 40 ना हो 35 हो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ेगा जरूर टीम सवरोड़ी के बल्लेबाजों का. एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 20 रन. 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. किसे मिलेगी मैन ऑफ द सीरीज, किसे मिलेगा बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, किसे मिलेगा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, कौन होगा नंबर 1 पर, कौन होगा नंबर 2 पर. इन दोनों में से कोई नंबर 1 या नंबर 2 पर होगा लेकिन नंबर 3 पर तय हो चुका है साई बाबा नगर. और यह लंबा छक्का लगाया, वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट और शॉर्ट अम्पुल के जरिए जो स्लोअर वन की थी उसको पिक किया और नंबर आया 6 गौरव घोषालकर, और उस 6 की वजह से टोटल आ चुका है 26 और गौरव घोषालकर खेल रहे अपने निजी 21 के योगदान पर. खेल रहे हैं
और ये देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, लेकिन खिलाड़ी तैनात था, खिलाड़ी ढूंढा उन्होंने, शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा था। मनोज पठारी मैदान के अंदर जा रहे हैं, टीम का टोटल आ चुका है 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। देखिए बैकफुट पर गए थे, स्ट्रोक काफी अच्छा था लेकिन फील्डर को ढूंढा उन्होंने, लेकिन 21 रनों की एक शानदार पारी खेली। व्यावसायिक गेंदबाजों के सामने खेमे से महज तालियां बजनी चाहिए गौरव घोसाड़कर के लिए, जिस अंदाज से उन्होंने खेला है, 21 रनों की एक शानदार पारी खेली है। भवानी स्पोर्ट्स के ओनर मनोज भोयर, पुट्टिया भाई, संजय सोलंकी से बातें करते हुए, और यह बहुत ही बढ़िया खेला लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच। सिद्ध चौगले अब बैटिंग के लिए जाएंगे। डीजे मणि आपने हमें खुश किया, पूरी तीन रातें आपने जो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाई मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये मेरे लिए आखिरी कुछ गेंदें बची है इस प्रतियोगिता की। उसके बाद तुषार या विनोद, तुषार धुमाल आएंगे और उसके बाद आएंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विनोद सोलंकी। देखिए आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं माइक्रोफोन के जरिए मुझे बिताने के लिए, लेकिन समीर जी मसूरकर आपका प्यार हमारे लिए इसी तरह बरकरार रहे, आने वाले दिनों में भी जो 5 लाख की आपकी लीग है वहाँ पर भी हमारे लिए प्यार आपका बरकरार रहेगा, इस उम्मीद के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। विनोद सोलंकी कह रहे हैं भाई बोनस है आपके लिए। विकेट हैट्रिक यहां पर हासिल हुई है और इस गेंदबाज को गेम चेंजर का कैप मिलेगा श्री गणेश स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन उन्हें खोपोली के श्री गणेश स्पोर्ट्स में खुद को जाकर उस कैप को हासिल करना होगा विकेट हैट्रिक के लिए। तुषार धुमाल जिस शॉप के ओनर है, हमारे बेहतरीन कमेंटेटर, आज देखिए तुषार धुमाल को मौका कम मिला कॉमेंट्री का, लेकिन जितना भी मौका मिला उन्होंने अच्छी की, पसंद आया मुझे। भले ही उन्होंने क्रेडिट मुझे दिया हो, अपने माँ को तो देना ही है, क्योंकि माँ ने अगर जन्म ना दिया होता तो आप अपने नाम को कहाँ बनाते, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन, समीर जी मसूरकर की इच्छा शक्ति, टेबल के नीचे से शुरुआत की थी इन्होंने बतौर कमेंटेटर समीर जी मसूरकर की प्रतियोगिता में, लेकिन आज पूरे सुधागढ़, पूरे पेड़, पूरे खालापुर की चाहत बन चुके हैं। तो पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल आ चुका है 26 जीत के लिए, 27 रनों की जरूरत है, लेकिन 21 रन बनाए मैंने 20 का आधा। ये कॉन्फिडेंस लेवल है आपका जो मैं बढ़ाना चाहता था कि आने वाले दिनों में आपकी बल्लेबाजी, कई टूर्नामेंट्स आ रही है आने वाले दिनों में, यहाँ पर देखिए 19, 20, 21, 22 में भी इसी ग्राउंड के ऊपर एक क्रिकेट रजनी हो सकती है कांग्रेस ट्रॉफी आने वाले दिनों में, हाल में भी एक 26 से लेकर 29 क्रिकेट रजनी है, लेकिन समीर जी मसूरकर के इस टूर्नामेंट का हमेशा एक अंदाज अलग होता है, एक अंदाज निराला अंदाज अपना अपना, और इसीलिए इस प्रतियोगिता को टेनिस क्रिकेट का विश्व कप माना जाता है खालापुर और खोपोली क्रिकेट का, और इस विश्व कप में लगातार तीन रातें बतौर कमेंटेटर मुझे भूमिका निभाने का समीर जी मसूरकर और वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली ने जो मौका दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। संजय सोलंकी, विनोद सोलंकी, तुषार धुमाल, जिन्होंने हमेशा खोपोली में जब भी मैं आता हूँ मेरे ऊपर प्यार बरसाया, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर एक बार अगले साल मिलेंगे 5 लाख की एक बड़ी लीग में। धन्यवाद प्रवीण सर, खऱ्या अर्थाने समीर जी मसूरकर साहेबांनी सुद्धा आपला मनापासून आभार व्यक्त केले, कारण की त्यांनी पाहिलं 13 वर्ष ते वेगळे होते, परंतु हा वर्ष त्यांना नक्कीच वेगळा वाटला, थोडा अनोखा वाटला, आणि तुमचं नक्कीच त्यांनी मनापासून आभार व्यक्त केले। तुषार सर या वरती या, तुषार सर आपण वरती यानंतरचं समालोचन नक्कीच तुषार सर करतील आणि बक्षीस संभ्रम आम्ही करू, चला या वरती।
पण वळतोय गोलंदाजी मार्ग वरती सागर तांबडे। 24 चेंडू 27 धावांची गरज। रवी आहिरे स्ट्राइक एंड वरती आणि नॉन स्ट्राइक एंड वरती शरद। शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर संघ मैदानामध्ये खेळतोय। 24 चेंडू मध्ये 27 धावांचं लक्ष्य आहे। लक्ष्य जरी माफक असला तरी इथे संघर्ष मात्र टीम सावरोळी संघाला करावा लागेल। आडव्या बॅटनं चेंडूला उडवलंय आणि लँड देखील केलं। पहिल्या चेंडूवरती बुम बुम माट्याची आठवण झाली, पण तो आज मात्र काही कारणास्तव या मैदानावरती पाहायला मिळाला नाही। ठोकलाय फलंदाजानं षटकार, ठोक डीजे। सहा धाबा धावपलकावरती नोंद झाल्या। 27 पाठला केला जातोय। पुन्हा एकदा चेंडू आसमानी सपर, यावेळी झेल पकडण्याची संधी आहे पण इथे उलट्या दिशेनं पकडण्याचा प्रयत्न केला। पकडोगे कॅच तो जीतोगे मॅच। लाईट बाईकची लाईट चालू आहे बघा। एंट्री ग्रेट समोर जो बाईक स्वार उभा आहे त्याला विनंती आहे तुमच्या बाईकची लाईट बंद करा। इथे पॉइंटच्या डोक्यावरनं उडण्याचा उडवण्याचा प्रयत्न आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे। चार धावांसाठी चौकार। डीजेला विनंती आहे गाण्यामध्ये एवढा जोर दाखवा का पाकिटामध्ये तुमचं वजन वाढेल। हा चेंडू जबरदस्त पद्धतीने फेकला गेलाय। इथे धावा लागल्या धावपलकावरती टोटल 11 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत। सावरोळी विपक्ष मॅच चालू आहे। ओपन हमचा संघ खेळतोय शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर। हा चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय राज घोसाळकी गौरव घोसाळकर, पण दोघांच्या मध्ये चेंडू लँड झालाय। जसा लोण्याचा गोळा हातातनं विसावतो तसा हा चेंडू यावेळी जमिनीला दहन केला आणि इथे मात्र धावा लागल्या त्या टोटल 1 या धावसंख्येनं 12। 27 पाठला केला जातोय। पहिलं षटक समाप्त झालं आणि धावपलकावरती धावा लागल्या त्या 12। येणारे 18 चेंडू विजयासाठी लक्ष आहे। 15 या धावसंख्येचं, येणारे 18 चेंडूमध्ये 15 धावा वाचवल्या जातात का हे पाहण्याआधी ऐकू एक सुमधुर संगीत। या सकाळी सकाळी तुम्हाला गी डंपर या आयवा कॅच। चला सकाळी सकाळी तुम्हाला भक्तगीत पार्टीचे भेटणार इकडे या गिफ्ट टेम्पर भेटत आहे मला आयवा कॅच साठी। तुषार सर सिद्धे चौगले पहिला बाईक मॅन याच शृंखलेच्या माध्यमातून ज्याच्या नावावरती बाईक आहे त्यांना मात्र हा चेंडू निर्धाव फेकलाय। धावा लागल्या धावपलकावरती 18। बघा ज्यानं आयवा कॅच पकडलाय त्याची थाट बघा, असं वाटलं होतं चालत चालत येईल पण बाईक घेऊन येतोय आणि एक नव्हे तर त्याचे चार चार सवंगडी घेऊन तो आयवा कॅच घेण्यासाठी येतोय। इथे मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। एक धाव धावपलकरी रॉयल एंट्री आहे। बघा कॅमेरामनला विनंती आहे जरा आयवा कॅच वरती फोकस करा। बघा आयवा कॅच, आयवा कॅच जोरदार
बुलेट वरती एंट्री. यस आयवा कॅच. भोंगे वाजवा यांच्यासाठी. भोंगे नाद केला पण वाया गेला नाही. पण इथे आयवा कॅच च्या माध्यमातून पारितोषिक दिलं जाईल. सहा धावा आल्यात आणि टोटल धावा लागल्या धावफलकावरती 25. विजयासाठी दोन धावांची गरज. देशमुख साहेबांना विनंती आहे, आपल्या शुभ हस्ते आयवा कॅच पारितोषिक द्या. देशमुख साहेबांनी देखील रात्र गाजवली आणि पहाटेच्या वेळी ते व्यासपीठावरती आले. मॅन फ्रॉम वासरंग, काय केलं रात्रभर, तर मॅच पाहिली. समीर पाटील वासरंगचा प्रेक्षक आहे आणि आज मात्र रात्रभर सामने पाहत नावात राजू पाटील आहे. एंट्री देखील बाईकवर झाली आणि वासरंगवरनं तो आला, त्यानं पाहिली मॅच समीरजी मसूरकर साहेबांची आणि त्याच्यामध्ये जिंकलं पारितोषिक आयवा कॅचच्या माध्यमातनं. या शृंखलेच्या माध्यमातनं प्रत्येकानं काहीतरी जिंकलंय. संजय सोलंकी खुश आहेत आणि प्रत्येकाला काहीतरी मिळालंय. झेल टिपला गेला आणि फलंदाज मात्र बाद झालाय. सिद्धे चौगलेला मात्र यश आलंय शेवटच्या चेंडूवरती. आता विजयासाठी 12 चेंडू आणि विजयासाठी दोन धावांची गरज. बारा चेंडू नोचा इशारा पंचांचा. राजू ये तूने क्या किया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारा ना. फ्रीड चा चेंडू, रिवर्सिप चा फटका आणि या फटक्यावरती आल्या जबरदस्त पद्धतीनं सहा धावा. मॅच मात्र जिंकली आहे. बघा ते स्टंप मात्र जमा करा. कृष्णाला विनंती आहे स्टंप घ्या. नक्कीच थोड्या वेळात तिथे बक्षी संबंध चालू होणार आहे तरी मी